एक चैलेंज की मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिछली बार आपको मालूम है जिसे कम दिखाई देता था और उसके लिए चैलेंज की प्रार्थना थी कि प्रभु आज इसी समय चंगाई दे। और हमारे बीच में एक बहन है और डॉक्टरों ने टीबी का बोला है। हाँ जी, टीबी का बोला है। ओके, डॉक्टर ने टीबी का बोला है। रिपोर्ट देखकर बोला या वैसे बोला? टेस्ट करके बोला। आज आप टीबी से आजाद होते हैं। जीवते परमेश्वर, इस बेटी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, इस बीमारी का एक भी कण ना रहे। यहोवा पिता, परभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। स्वर्गीय पिता, परभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आज इसी वक्त बीमारी तुझे आज्ञा देता हूं, इसे छोड़ो निकल इसी वक्त, इसे छोड़ो निकल। रबला शिदा रखा बर नम्मा तिब्बनी था न खबर असिद बिरिरिबी फुरासे दबर नम्मा ते बाबा सा दबर लबा। बीमारी निकल, इसे छोड़, इसे छोड़, इसे छोड़, इसे छोड़, इसे छोड़, अभी छोड़। इसके फेफड़े बिल्कुल चंगे हो जाएं, इनके फेफड़ों से जो भी इन्फेक्शन खत्म हो जाए, लंग्स इन्फेक्शन दूर हो जाए, आज इसी वक्त चंगाई आती है। आज इसी वक्त चंगाई आती है। परमेश्वर पिता, रब अल्लाह सीधा बाबा रास्ते दबाने ना मत हो रही भी नहीं तमीनी नहीं मत बाबा रास्ते दबाने ना बा। बीमारी इसे छोड़ दे, निकल हो रब बाशी दबाने ना मत। सब आप अच्छे से एक फोटो खींच के रख लीजिएगा, क्योंकि पर विश्व जी ने इन्हें चंगा कर दिया है। संडे आपको मालूम होगा एक चैलेंज की प्रार्थना की थी कि टीबी आज और अभी, टीबी की बीमारी आज और अभी इसी वक्त निकलेगी। याद है जो आए थे उन्हें याद है, जब मैं नीचे गया था वहां एक बहन खड़ी थी और उसके बेटे को जो थी टीबी थी और उस बहन ने पेज अपने हाथ में लिया हुआ था। तो चैलेंज की प्रार्थना की थी कि सब लोग देख लो, सब लोग वीडियो बना लो, सब लोग फोटो खींच लो, क्योंकि यह टीबी की बीमारी आज खत्म होगी। तो अगले ही दिन सोमवार को इन्होंने रिपोर्ट करवा ली और उस रिपोर्ट में टीबी बिल्कुल निल आई है। यह नहीं कि 5% रहेगी, 2% रहेगी, 1% रहेगी। जब परमेश्वर काम करते हैं ना, जड़ से पूरा करते हैं। हालेलुया। रमन तेरे पास रिपोर्ट है तो वहां भी दिखा सकता था। सो आपने, आप लोगों ने पहचान लिया इस बहन को, आपने पहचान लिया होगा। वहां पर खड़े थे ये और नीचे गया था, सबसे पहली चैलेंज की प्रार्थना इसी के लिए की थी। हालांकि मुझे नहीं मालूम था कि टीबी जो है इनके बेटे को है, क्योंकि पेज इन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था टीबी का रोग, या नहीं लिखा था कि मेरे बेटे को है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था इनके लिए और ये प्रार्थना ग्रहण कर रहे थे, अपने बेटे के लिए ग्रहण कर रहे थे। देखो, जवान लड़का है, 19 साल का उम्र लिखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और पिछले संडे को, पिछले एतवार 15 तारीख थी, तो ये 15 तारीख की बात है और ये 16 तारीख की रिपोर्ट है। इसको थोड़ा झूम करके दिखाओ, 16 तारीख। और ये रिपोर्ट है, नील है, रिपोर्ट है, नील है। हालेलुया। मैंने ये कहा था कि एक चैलेंज की प्रार्थना कर रहा हूं,
कभी सब लोग फोटो खींच लो, सब लोग वीडियो बना लो, क्योंकि ये टीबी खत्म होने वाली है, उसी समय खत्म होने वाली है। देखो धीरे धीरे खत्म हो, 15 दिन में 20 दिन में महीने में हो तो बात अलग है, लेकिन जब ये होता है कि अभी इसी वक्त खत्म होने वाली है जड़ से, परमेश्वर अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो बेटा क्या हुआ था, सारयानु जयम सिंह जी, मैं 3 महीने पहले बहुत ज़्यादा बीमार था और जनसेवा हॉस्पिटल से जांच करवाई, उन्होंने बताया था कि इसे टिब्बी है, और पिछले संडे आपने जब चैलेंज प्रार्थना की थी और अगले सोमवार को ही हमने टेस्ट करवाया और बिल्कुल रिपोर्ट नॉर्मल आई है। हालेलुया। तो आप चर्च में नहीं आए थे पिछले संडे? आए थे जी। तो आया था लेकिन ये पेज जो था तेरी मम्मी के पास था? हाँ जी। ओके ठीक है। सो तो बहन मैं जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, हाँ तो आप अपने बेटे के लिए ग्रहण कर रहे थे? हाँ जी, बेटे के लिए करा रहे थे। ओके तो मतलब आपको विश्वास था कि आज मेरे को पूरा विश्वास था अभी परमेश्वर ठीक करेगा मेरे बेटे को, और ये था कि आज अभी करेगा, अभी करेगा मेरे को विश्वास था। देखो जवान बेटा है और परमेश्वर मसीह जी ने इतनी भयंकर इस बीमारी से, इस रोग से इसे आजाद कर दिया। धन्यवाद करें परमेश्वर मसीह का। और अभी रुकिए, ये जो बहन है इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, आपको पता है। अभी जब मैं पिछले संडे को गुरप्रीत है ना, ओके, प्रार्थना कर रहा था, इनके 9 वर्ष से पेट में 2 गांठें थी। हाँ जी। बच्चेदानी में 2 गांठें थी। हाँ जी। और उसी रात पर यीशु मसीह के नाम से वो 2 गांठें बाहर निकल गई। हालेलुया। उसी रात। यहां कहानियां नहीं है, यहां हकीकत है। तो क्या हुआ था पुत्र? मेरे को पास्टर जी सपने में आके प्रार्थना की है, मेरा पेट दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं फोन लगाया पास्टर जी को भी, पास्टर जी मेरे पेट दर्द हो रहा है अभी, प्रेयर करो मेरे पे। तो पास्टर जी मेरे को ऐसे बोला कि मैं आपके पड़ोस में ही खड़ा हूँ, अगर मैं आपके घर पे ही आता हूँ अगर प्रार्थना कर देता हूँ। मैं कहा पास्टर जी आ जाओ, मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं कहा पास्टर जी मेरे घर पे आ रहे हैं सपने में, सपने में वो भी अगर मेरे पे प्रार्थना की, अगर मेरे पेट में कुछ भागने लगा ज्यादा, अगर मेरे को सुबह 4 बजे अगर जैसे मेरे को गांठे एक पहला निकल गई, प्रार्थना सपने में की थी, अगर वो हकीकत में सुबह मैं चाय बनाई चाय पी के अगर मैं देखी मेरे दो ये पहला एक गांठ निकली, फिर 4:30 बजे एक गांठ निकल गई सुबह। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे 9 साल का रोग था वो निकल गया। कितना अद्भुत है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। 9 वर्षों से वो गांठे थी, 2 गांठे थी, और चमत्कार चर्च में आकर। ये अभी नहीं आने लगे हैं मेरे ख्याल में? हाँ जी, हाँ जी, नहीं अभी आने लगे, पहला भी आते थे बाद में फिर नहीं। हाँ मेरे ख्याल हिसाब से ये पिछली बार पहला संडे था आपका? हाँ पहले संडे था, पहले संडे था पिछली बार। ओके परमेश्वर का धन्यवाद करें, अद्भुत अद्भुत। उस गांठों को कितनी बड़ी गांठे थी? बड़ी थी, थोड़ी थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी गांठे थी दोनों। हाथ देखो थोड़ा सा, 2 गांठे दोनों इतनी बड़ी बड़ी भी थी मेरे निकली है जो। पता चल रहा कितना हाथ कर रहे हैं वो, बड़ी बड़ी गांठे थी, दोनों बाहर निकल गई। जैसे आज मैंने आपके लिए चैलेंज की प्रार्थना की है, उस रात प्रभु यीशु मसीह जी ने चमत्कार किया। हालेलुया। लोग कहते हैं ये पैसे देकर अब बीच में लोगों को बिठा देते हैं और वो उठकर कहता है मेरी गांठ निकल गई, मैं ठीक हो गया। अरे हम लोगों को तो पता ही नहीं होता कि लोग कहां से आए, कहां से है। हालेलुया, हालेलुया।